अब अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं और बात कर रहे हैं किस तरह से एक और बड़ा खतरा है जो मंडरा रहा है। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का जो कहर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। राजस्थान से बड़ी खबर है, राजस्थान के 8 जिलों में बर्ड फ्लू फैल गया है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बर्ड फ्लू ने पैर पसार लिए हैं। हिमाचल के कांगड़ा में पौंग झील में पक्षियों की मौत हुई है। कई अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 4 राज्यों में, हिमाचल के कांगड़ा में भी पौंग झील में पक्षियों की मौत हुई है। राजस्थान से भी खबर, यहां पर भी मौत हुई है और इसके बाद लगातार यह बीमारी फैल पसार रही है। तो कहां कहां पर अभी तक बर्ड फ्लू फैल गया है यह जानकारी भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह मैप के जरिए आपके सामने बता रहे पूरी जानकारी। राजस्थान, यह देखिए मैप किस, राजस्थान में कहां कहां पर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, जयपुर, बारा, भरतपुर और दौसा, अभी तक इन इन जगहों पर, इन इन जिलों में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आ चुके हैं। अगले राज्य का रुख कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के 4 अलग अलग जिलों में केसेस सामने आए हैं। मंदसौर, खंडवा, उज्जैन और इंदौर, अभी तक यहां से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ गए। पूरी जानकारी एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं कहां कहां पर अब तक केस सामने आ चुके हैं। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। कांगड़ा में भी पक्षियों के मारे जाने के बाद टेस्ट किया गया और पता चला कि बर्ड फ्लू की वजह से, क्योंकि रिपोर्ट है पॉजिटिव आई, तो इसके बाद प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है और पूरे देश में भी अब इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन सबके बीच एमपी की ही बात करें, एमपी के मंदसौर में 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई है। 4 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, कंफर्म हो गया है। 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच ये मौतें हुई थी। मंदसौर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, 1 किलोमीटर के एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। तो मंदसौर की बात हम आपको बता रहे हैं, मंदसौर में यहां पर एक के बाद एक पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। जब टेस्ट किया गया इन पक्षियों का जिनकी मौत हुई, तो उनमें बर्ड फ्लू कंफर्म किया गया। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।